फराटेदार उर्दू पढ़ रहे बच्चे टोंक के सिदड़ा गांव के हैं, जहां की हर गली में उर्दू जबान की खुशबू बसी है और यहां के लोग इसी खुशबू को पूरे राजस्थान में फैला रहे हैं। यहां के 300 से ज्यादा युवा उर्दू शिक्षक की सरकारी नौकरी में है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर कट्टरपंथियों की, खासकर मुसलमानों से नफरत करने वालों की नींदें उड़ सकती हैं और वो हैरान भौचक्के हो सकते हैं। दरअसल आज एक खबर ऐसी है कि एक गांव है और वहां पढ़ने वाले और जो परिवार है सब हिंदू हैं, लेकिन सब के सब उर्दू की पढ़ाई कर रहे हैं। इस दौर में उर्दू की पढ़ाई कर रहे हैं जहां लोग और सरकारें कट्टरपंथी तत्व जो है वो सब मदरसा गिराए जाने के पक्षधर हो गए, जानबूझकर मदरसों पर बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं। उसी दौर में यह खबर सामने आई है कि हिंदुओं के बच्चे स्कूलों में खासकर शौक से उर्दू की पढ़ाई कर रहे हैं, जहां मुसलमानों से लोग नफरत करने की शैली को अपनाने लगे हैं। कट्टरपंथी जो है वो समाज में हिंदू मुसलमान करने पर उतारू हो गए हैं जब से भाजपा की यह सरकार आई है। 8 सालों में देश की छवि बहुत खराब हुई है। यहाँ पर जब यह खबर सामने आती है कि हिंदू उर्दू सीख रहे हैं, उर्दू की बाकायदा पढ़ाई कर रहे हैं, अपने सिलेबस में शामिल कर रखे हैं, गजल नज्म का फर्क बच्चे बच्चे बताने लगे हैं, तब लगता है कि असली भारत तो यही है कि हिंदू उर्दू सीख रहे हैं, जो मुसलमान है वो संस्कृत की पढ़ाई करना चाहते हैं। तभी तो इस कल्चर संस्कृति की जो हम लोग बात करते हैं, विविधताओं की बात करते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए हमने कहा कट्टरपंथियों को नींद तो नहीं आएगी। यह खबर राजस्थान की है। दैनिक भास्कर ने इस मामले में डिटेल में जानकारी दी है। आप अपने स्क्रीन पर विजुअल्स भी देख सकते हैं। सरकारी स्कूल है और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे हिंदू हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, उर्दू लिखना बोलना सीख रहे हैं। हर एक जो उर्दू जबान की बात होती है उसमें गजल नज्मों का फर्क भी समझते हैं, हायर स्टडीज भी करना चाहते हैं। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो भी इस दौर में जहां लोग मुसलमानों से नफरत करने के लिए खुला ऐलान करते रहते, कैसे संभव हुआ, तो आपको यह खबर समझना जरूरी है। दैनिक भास्कर की खबर हम आपको दिखाते हैं। डिटेल में बताया गया है कि कैसे ललक जागी उर्दू के प्रति। दैनिक भास्कर ने लिखा है, इस गांव के हिंदू उर्दू के भरोसे चला रहे जीवन, बच्चों की भी उर्दू में मास्टरी, 300 युवा प्रोफेसर टीचर बन पूरे प्रदेश को पढ़ा रहे हैं। यह बहुत ही सुखद खबर है कि हिंदू जो है इस गांव में है, मैक्सिमम हिंदू है, सबके सब हिंदू है, लेकिन ये सब उर्दू की पढ़ाई कर रहे हैं। 300 युवा प्रोफेसर बने हैं, टीचर बने हैं और पूरे प्रदेश में पढ़ा रहे हैं। अब बताइए कि जहां पर मुसलमानों को इग्नोर करने की कोशिश हो रही है, वहां अगर हिंदू उर्दू पढ़ते हैं तो फिर जलने वाले तो जलेंगे ही। जरा खबर में देखते हैं कि कैसे यह सब संभव हुआ। बताया जाता है कि जयपुर से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर टोंक जिले का गांव है सिदड़ा। 6500 लोगों की आबादी वाले इस गाँव में सभी हिंदू है। खास बात यह है कि गाँव के बच्चे हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो तीसरी भाषा सीख रहे हैं वो उर्दू है। यहाँ तक कि सरकारी स्कूल में भी 6ठी से लेकर 12वीं तक उर्दू ही पढ़ाई जा रही है। छोटे छोटे बच्चे भी गजल और नज्म का फर्क किसी साहित्यकार की तरह बयां करते हैं। भास्कर की टीम वहां गई और बच्चों से बातचीत की, स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत की, तो प्रिंसिपल ने इस मामले में जानकारी दी कि कैसे यह संभव हुआ। आइए जरा प्रिंसिपल की वह बातचीत सुनते हैं, क्या कुछ उन्होंने इस मामले में कहा है। जब 2013-14 में स्कूल क्रमोन्नत हुई, ये स्कूल सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी हुई, तो इन्होंने जब ऑप्शन मांगा गया हमसे SDMC के माध्यम से, हमने ऑप्शन दिया तो गांव वालों ने कहा कि भाई ऐसा है, एक सब्जेक्ट तो हमारे उर्दू ही रखा जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो सुना आपने, प्रिंसिपल साहब ने ये बताया है कि यहाँ जब बच्चों ने उर्दू की पढ़ाई की, बाद में जब उन्हें टीचर भर्ती निकली तो उसमें फॉर्म भरा, उर्दू सब्जेक्ट था उनका, तो बड़े आसानी से नौकरी भी मिल गई। इस देश में बेरोजगारी इतनी है और उर्दू सीखने वालों को आसानी से नौकरी मिली है, तो फिर लोग इनके पीछे आकर्षित हुए। उन्हें लगा कि अगर इस विषय की पढ़ाई की जाए तो आने वाले समय में उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सकता है। हालांकि अब हम लोग इस दौर में जी रहे हैं
जहां पर उर्दू और संस्कृत को इग्नोर किया जाता है। हालांकि इस देश में इन दिनों कट्टर हिंदुत्ववादी प्रथा जो चल पड़ी है, जहां मुसलमानों से नफरत की जा रही है, ये लोग हिंदू राष्ट्र का सपना तो देखते हैं लेकिन दूसरी तरफ इसी देश के संस्कृति से छेड़छाड़ भी करते हैं। वही लोग अब जब जानेंगे कि उर्दू पढ़ रहे हैं हिंदुओं के बच्चे तो जल उठेंगे। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो बहुत ही सुंदर है। कम से कम उर्दू के बारे में लोग समझे तो सही, ये तो ना हो कि कोई अगर उर्दू पढ़ रहा है तो वो गलत दिशा में जाएगा, ऐसी सोच हमारे देश में बढ़ाई जा रही है। लेकिन अगर आप राजस्थान के टोंक जिले में आते हैं तो यहाँ समझ में आपको चीजें आसानी से आ जाएगी। गांव वालों में इतना क्रेज उर्दू को लेकर क्यों हुआ है? हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे दोस्त जो मुसलमान थे वो भी संस्कृत की पढ़ाई करते थे। उस वक्त हिंदू मुसलमान कोई नहीं करता था, शिक्षा शिक्षा ही होती थी, विषय विषय होते थे, जिन्हें जो अच्छा लगता था वो उसमें पढ़ाई करते थे। लेकिन अब अगर यह खबर खूब तेजी से फैलेगी कि अमुक गांव में लोग उर्दू की पढ़ाई शौक से कर रहे हैं और वह गांव हिंदुओं का गांव है, तब तो छाती कूटने लगेंगे ऐसे कट्टरपंथी सोच वाले जिन्हें मुसलमानों से नफरत होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस गांव से जो भी छात्र उर्दू पढ़कर आगे की पढ़ाई कर रहे हैं वो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हैं। पहले तो स्थिति यह थी कि वैकेंसी निकलती थी उर्दू विषय के शिक्षक की, वह सीटें खाली रह जाती थी। लेकिन टोंक जिले में जो सीधरा गांव है वहां पर जो लोग भी उर्दू पढ़े हैं हिंदू हैं सब, और उन लोगों को इस विषय के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह बेहद ही सुखद खबर है कि उर्दू पढ़ाने वाले भी हिंदू हैं। दैनिक भास्कर ने जब वहां के लोगों से बातचीत की तो पता चला कि गांव वाले खुद आकर्षित हैं, उर्दू अपने बच्चे को पढ़वाना चाहते हैं। पहले तो इस गांव में 8वीं तक की ही पढ़ाई होती थी, बाद में 10 किलोमीटर दूर जाकर लोगों को पढ़ना पड़ता था, हायर स्टडीज करना पड़ता था। जो बाहर जाकर कुछ लोग उर्दू पढ़े और पढ़ करके बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए और अच्छे मार्क्स आने लगे तो वहां के पेरेंट्स को लगा कि नहीं, उर्दू पढ़ना चाहिए। अब यह बेहद ही अच्छी खबर देश के लिए भी है कि इन लोगों ने जब उर्दू की पढ़ाई की, नौकरियां भी मिली और ये लोग अपना परिवार भी चला रहे हैं, तो पता चलता है कि उर्दू से मोहब्बत क्यों हुई है। यहाँ पर धर्म की बेड़ियां टूट गई हैं, वो जो दीवार मजहब की दीवारें खड़ी की जाती हैं कि अगर हिंदू होकर आप उर्दू कैसे पढ़ेंगे, अगर मुसलमान होकर संस्कृत या हिंदी कैसे पढ़ेंगे, वो सब दीवारें ढह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्यार मोहब्बत से देश चलता है। राजस्थान ने यह अच्छी मिसाल पेश की है, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी अच्छी मिसाल पेश कर रहे हैं, उसी तरह राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर गांव में लोग हिंदुओं के गांव में उर्दू का क्रेज है। यह एक भारत के संस्कृति की अद्भुत छटा है जिसे देखकर लोग खुश भी हो रहे हैं। और यह एक मैसेज के तौर पर भी देखा जा सकता है उन कट्टरपंथियों के लिए जो दिन रात मुसलमानों की भावनाओं को आहत करते हैं, उनके कल्चर को, उनकी आस्था का मजाक उड़ाते हैं। वैसे भी आपने यह खबर देखी है कि अमेरिका तक यह बात पहुंची है कि हमारे देश यानी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चल पड़ी है, और जो कि हिंदू राष्ट्र बनने से अल्पसंख्यकों को खतरा हो सकता है। वहां के एक सांसद ने ऐसी प्रतिक्रिया दी है, वो मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने यह कहा है कि भारत तेजी से हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगर अमेरिकी सांसद को यह खबर की जानकारी मिले कि राजस्थान के टोंक जिले में एक गांव है जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं और वो सभी हिंदू उर्दू की पढ़ाई कर रहे हैं और शिक्षक बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ी राहत मिलेगी कि नहीं, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी का जो भारत है, भले ही वहां पर नफरत बढ़ गई है लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्यार मोहब्बत भाईचारे की मिसाल देखने को मिल रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। The Life TV, सच सबसे आगे।